रातों रात सोशल मीडिया पर स्टार बनी मलयाली अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारिया अब मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं, जिस गाने से प्रिया ने सबके दिलों में जगह बनाई है। वही गाना अब उनके मुसीबत का कारण बन रहा है। दरअसल प्रिया वारिया के खिलाफ हैदराबाद में शिकायत दर्ज हुई है। मोहम्मद मुखिब नाम के व्यक्ति ने प्रिया प्रकाश और गाने के निर्माताओं पर भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। हैदराबाद में एक धर्म विशेष के लोगों ने प्रिया प्रकाश की आने वाली फिल्म उर्वदार लव के वायरल हुए इस गाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस गाने के बोल से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। उन्होंने हैदराबाद के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि फिल्म के एक गाने की छोटी सी झलक ने प्रिया को रातों रात स्टार बना दिया है। खबरों के अनुसार प्रिया प्रकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले इन युवाओं का कहना है कि उन्हें भी प्रिया का ये वीडियो पसंद आया है, लेकिन जब उन्होंने मलयालम के इस गाने का अनुवाद किया तो पता चला कि इस गाने में कुछ ऐसे शब्द हैं जो धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं। आपको बता दें कि फिल्म उर्वदार लव प्रिया की डेब्यू फिल्म है। इस वैलेंटाइन के मौके पर रिलीज किया गया ये गाना काफी सुपरहिट हुआ है। गाना सुपरहिट होने के बाद से प्रिया प्रकाश को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। ये फिल्म इसी साल 3 मार्च को रिलीज होने वाली है। 18 साल की प्रिया प्रकाश केरल त्रिशूर की रहने वाली हैं और बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों कमेंट करो प्रिय वारिया पर हुए इस एफआईआर दर्ज पर आप क्या कहना चाहोगे। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।